लेग्स का वर्कआउट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स वार्म अप जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वार्म अप लेग का। इंजरी होने से आप बचोगे, घुटनों में दर्द रहता है कईयों के, वो विदाउट वार्म अप वेट उठाते हैं हैवी, तो आप दो दो सेट जरूर करें ये दोनों एक्सरसाइज के जो मैं कर रहा हूँ, ये वार्म अप है, जरूर करें इसको और आगे भी देखें कौन से वार्म अप कर रहा हूँ मैं। अब उतरेगी हमारी टी शर्ट, फुल मोटिवेशन। नेक्स्ट वार्म अप, ये भी वार्म अप में ही आएगा, हमारी जंपिंग स्क्वाट्स एक सेट करें, इसके बाद लंजेस करूंगा उसका भी एक सेट करें, फिर उसके बाद बेसिक स्क्वाट करूंगा उसका भी एक सेट करें, पहली वाले के दो दो और इन वाली वार्म अप का एक एक सेट करें, आप आपके ग्लूट्स एक्टिव हो जाएंगे फुल, उसके बाद आप लेग्स वर्कआउट करने के लिए रेडी है। एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इस तरह से आप अपना वेट उठा के रखें, लाइट वेट मारे आप पहला सेट, या फिर आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। इस तरह से आपको पोजीशन सेट करनी है अपनी टांगों की और आपको इस तरह से स्क्वाट मारने हैं। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, पोजीशन करेक्ट रखें। मैं ये एडवांस लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एडवांस है, मेडिएटर है, बिगनर थोड़ा ध्यान से करे। मेडिएटर और एडवांस के लिए मैं आज पूरा वर्कआउट बता रहा हूँ लेग्स का। ये मेरा स्क्वाट्स का आखिरी सेट है, पांचवा सेट लगा रहा हूँ मैं, ये हैवी से 90 केजी है ये, 20, 15 और 7 एंड 10 किलो की रोड। आप जब भी हैवी वर्कआउट करो घर पर तो यार जरूर अपने पार्टनर्स को अपने साथ रखो या किसी छोटे भाई को बड़े भाई को जरूर साथ में रखो, नहीं तो इससे इंजरी हो सकती है। अब जैसे कि मैं इसको रखूँगा तो थोड़ा सा डेंजरस रहता है घर पे वर्कआउट करने का, हैवी मामला थोड़ा सा डेंजरस रहता है, तो केयरफुली करें। अब मैं लेग एक्सटेंशन कर रहा हूँ, आप देखो हमारी ये डंबल की रोड है, इसमें हमने लॉक फंसा रखे हैं पहले अंदर की साइड और फिर हमने बाहर की साइड भी लॉक लगा रखे ताकि वेट अनबैलेंस ना हो जाए। इस तरह से हमने जुगाड़ किया है लेग एक्सटेंशन का, बहुत ही बढ़िया इसमें प्रेशर आ रहा था, आप ये वीडियो देखो, बहुत ही बढ़िया मतलब जुगाड़ है यार, ये सबसे बेस्ट जुगाड़ लगता है मुझे। प्रॉपर लोड आ रहा था भाई, क्वाड्स पे प्रॉपर लोड आ रहा था, ऐसा नहीं है कि काम चला हुआ है, काम चलाऊ नहीं है, कभी करके देखना। मेरे डंबल की रोड है जो थोड़ी सी बड़ी है, आप देखो मेरे जो पार्टनर है उन पे उनका प्रेशर देखो आप, क्वाड्स पे पूरा लोड आ रहा है, मज़ा आ गया, होम वर्कआउट का मज़ा ही अलग है। तो अब मैं कर रहा हूँ सुमो स्क्वाट्स, इनर थाई के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है ये। आप इस तरह से अपनी लेग्स की पोजीशन को सेट करेंगे प्रॉपर और बैक को स्ट्रेट रखेंगे और अपने कोर की मसल मतलब पेट के अंदर की मसल को टाइट रखेंगे, खींच के रखेंगे, सांस फुल भरकर कोर की मसल को टाइट करके इस तरह से नीचे जाओगे। और आपके जो घुटने हैं वो भी आप ये कोशिश करो कि जितने टिल्ट आपके पैर हैं आपके घुटने भी उतने ही बाहर जाए, और जब आप डाउन जाके ऊपर आए तो अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करके रखें 2 सेकंड के लिए ऊपर, उसके बाद आप डाउन जाए। अब मैं कर रहा हूँ नैरो स्क्वाट, आपको कोई भी प्लेट रखनी है नीचे 2.5 किलो या 5 किलो की, और इस तरह से आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, सेम वही जो मैंने अभी बताया था आपको। पैर देखो इसमें कितने क्लोज है, आगे से थोड़ा पैर का जो मुंह है पंजे का मुंह है खुला रहेगा और पीछे से आपकी क्लोज रहेगा, ध्यान से देखना मेरा पार्टनर करेगा। अब ये देखो पीछे से एड़ियां क्लोज रहेंगी और आगे जो पैर का पंजा है वो थोड़ा सा टिल्ट रहेगा बाहर की ओर, और इस तरह से आप नैरो स्क्वाट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ज़रूर करें।